रात के 9 बज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और अब यहाँ पे बोर्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है. सर्दी होने वाली है तो मैं जाऊँ, एंड इंडिया के हिसाब से सुबह 6:30 बजे जो है अबू धाबी में फ़्लाइट पहुँच जाएगी, तब अबू धाबी में सुबह के 5 बजे होंगे. बहुत ज़्यादा लंबी क्यू है यहाँ पे, पहले 10-15 मिनट ऑलरेडी बोर्डिंग लेट शुरू हुई है, और जिस हिसाब से जितनी लंबी क्यू यहाँ पे लगी हुई है उससे लग रहा है कि अभी 15-20 मिनट तक और ये बोर्डिंग ऐसे ही चलने वाली है. आप बच्चों का हल्ला सुन पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है बच्चों का कि अनाउंसमेंट भी सुनाई नहीं दे रही है. फाइनली 40 मिनट्स के बाद जो है वो फ्लाइट में सीट मिली है, एंड आई एम श्योर कि अभी आधा घंटा तो फ्लाइट में यहाँ से निकलने में लगेगा. बिजी है लेकिन स्मूथ जा रहा है. बाकी एयरलाइंस में जो आपको इकोनॉमी में पाउच मिलता है उसमें सॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक आई मास्क दिया हुआ है, टूथब्रश, टूथपेस्ट का छोटा सा ट्यूब, और ये है ईयरबड्स, और साथ में है हेडफोन्स. 10 बजे और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं. ऑफ कोर्स बाहर अंधेरा होने की वजह से कैप्चर करने के लिए तो कुछ भी नहीं था. कुरान की एक प्रेयर के साथ जो है वो फ़्लाइट की शुरुआत हुई. टच स्क्रीन बहुत सारे जगह फ़्लाइट में काम नहीं कर रहा था, रिमोट भी बहुत स्लो था, और मूवीज़ का सिलेक्शन मोस्टली ऐसा था जो मैंने देखा हुआ था. ये आ गई है मेरी वेजिटेरियन मील. जब भी आप स्पेशल मील ऑर्डर करते हैं तो आपकी मील सबसे पहले दे दी जाती है आपको. यहाँ पे है ब्रेड, ये है कुछ सैलड, ये कुछ फ्रूट्स, फोर्क वगैरह, स्पून, पेपर, सॉल्ट, ये बटर है, ये सैलड में ड्रेसिंग डालने के लिए. पास्ता, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पहले खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे. खाना पीना हो चुका है और वेज नहीं. फ्लाइट में ऐसे नाइट लाइट जला दी जाती है ताकि आपकी नींद आराम से पूरी हो सके. 2-2.5 घंटे के बाद मैं उठ गई क्योंकि सीट्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी. रात को 11:30 बजे पहली मील सर्व हुई थी और अभी आ गई है हमारी दूसरी मील. पहली बार मैंने ऐसे पैकेट में सर्व होते हुए देखा है कि अंदर है वाटर बॉटल, एक सेब और एक सैंडविच. जल्दी से मैं ये मील इंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. क्योंकि मूवी सिलेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट का पाथ ट्रैक किया. मेरी फ्लाइट की जो तीसरी और आखिरी मील है वो आ चुकी है यहाँ पे. बाकी सारी चीज़ें सेम है लेकिन यहाँ पर कसीडिया है, एक सॉल्ट एंड पेपर वाला टोमेटो है, एंड सम बीन्स. फाइनली इतनी देर से खाना आया और मुझे भूख लग रही थी, बट अब मैं जल्दी से खा के फिर मिलती हूँ. अबू धाबी पहुँचने में अभी 1 घंटा बाकी है और बाहर अभी भी पूरा अंधेरा है, और 17 घंटे से हम सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ट्रैवल कर रहे हैं. फाइनली अब हम अबू धाबी पहुँच गए. फाइनली वी आर इन अबू धाबी. सुबह के 5:15 बजे फ्लाइट लैंड की थी और अभी हम सारे क्रॉसिंग्स वगैरह बस वगैरह लेके यहाँ पे पहुँचे हैं. सुबह का 6 बज रहा है और वाओ इतनी ज़्यादा गर्मी है. आई थिंक 27-28 डिग्रीज ऑलरेडी है सुबह के 6 बजे, और जिस बस से हम आए हैं उसने एकदम लास्ट में एसी ऑन किया. अभी तो सांस नहीं आ रही. मैं एक बार सब कुछ फिगर आउट कर लूँ कहाँ जाना है क्या करना है, और फिर मेरे पास टाइम ही टाइम है. मुझे यहाँ 9 घंटे बिताने हैं ऑलमोस्ट, तो मैं आराम से फ्रेश होके फिर आपसे मिलती हूँ. हबीबी वेलकम टू अबू धाबी. तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अबू धाबी. सुबह 5:15 बजे के आसपास जो है वो फ़्लाइट लैंड की थी और आराम से आधा घंटा लेके मैं निकली हूँ फ़्लाइट से, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी फ़्लाइट थी, इतने सारे बच्चे थे. बट लकीली बच्चों ने ज़्यादा परेशान नहीं किया. मेरे बगल की 2 सीट में 2 बच्चे थे जो खराटे मार के सो रहे थे लिटरली. मील उतना अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, लाइक पोर्शन साइज वॉज इन दैट गुड, बट ओवरऑल ठीक है, अच्छी फ्लाइट थी. और 17 घंटे लंबी रात, वाओ. जब मैं ऑस्ट्रेलिया से चली थी तब करीब लाइक 8 बजे मैंने बोर्डिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया था, और हम यू नो टाइम जोन में पीछे जाते जा रहे थे, तो हम रात की तरफ ही बढ़ रहे थे. तो थ्रू आउट मेरी फ्लाइट मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया. सो नॉट एग्जैक्टली वॉट यू विश वेन यू गेट द विंडो सीट, लेकिन इतनी लंबी रात एक्सपीरियंस करना, दैट वॉज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. एंड आई एम श्योर कि अब आप मेरे चेहरे से बता सकते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. मैं नॉर्मली इतना लंबा स्टॉप नहीं लेती हूँ, 2 स्टॉप
नहीं लेती हूँ, लेकिन इस बार सिंगापुर एयरलाइंस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा महंगी थी, इसलिए इधर से जाना हो रहा है। मैं अबू धाबी में बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था फरारी वर्ल्ड देखने जाने के लिए, लेकिन उसकी टाइमिंग आज आई थिंक 11:30 के आसपास है, 11:30 बजे वो खुलेगा और 12 बजे तक तो मुझे वापस एयरपोर्ट पर होना है, इसलिए मैंने जो है एयरपोर्ट से बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। ऑफ़ कोर्स जो फरारी वर्ल्ड है वो अबू धाबी का यू नो मेन अट्रैक्शन है, वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो उनकी वेबसाइट पे ऑल्दो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट करीब करीब उनका एक दिन का चार्ज पर एडल्ट इज़ अराउंड 240 dirham, जो कि आई थिंक अराउंड 7,000 रुपये के आसपास है। लेकिन आप चाहें तो वाटर पार्क, वॉर्नर्स ब्रदर पार्क और जो फरारी वर्ल्ड है इसका पैक साथ में भी ले सकते हैं 3 दिन का, और वो आपको 11,000 या 12,000 के आसपास पड़ जाता है। अगर आप दुबई से अबू धाबी आना चाह रहे हैं या फरारी वर्ल्ड आना चाह रहे हैं तो यहाँ के लिए भी आपको यू नो दुबई और अबू धाबी के बीच में फ्री शटल चलती है, तो आप फ्री शटल लेके यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कि आप जाएंगे, आपको जगह मिलेगी तो आप बैठ जाएंगे, नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट शटल का वेट करिए। अभी जो फूड कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मैं अभी वहाँ से चली आई क्योंकि यू नो वहाँ बहुत ज़्यादा केओस हो रहा था, और मैं ये एक शांत सा कॉर्नर देख के थोड़ी देर बैठ गई हूँ क्योंकि रात भर वो जो फ्लाइट की आवाज़ चली है अब उससे मेरा सर लिटरली दर्द हो रहा है। अच्छा, मुझे लगा था कि अबू धाबी एक्चुअली न्यूजीलैंड से सस्ता होगा ड्यूटी फ्री वगैरह हर चीज़ के मामले में, बट ये एक्चुअली महंगा है। यहाँ पे जो कॉफ़ी है वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस की है, लाइक मुझे अराउंड 8 या 9 न्यूजीलैंड डॉलर की एक बेसिक सी कॉफ़ी मिली है, और मैंने आइस मोका ले ली और उसमें उन्होंने लिटरली पूरी की पूरी जो है वो आइस भर के दे दी। तो आई डोंट नो, लाइक खाने का मेरे लिए तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और मुझे लाइक जितना पैसा आप स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ ढंग की मील मुझे दिख नहीं रही। यहाँ से एक अच्छा सा यू नो छोटा सा ग्लिम्स दिख रहा है सिटी का, तो मन तो कर रहा है जाने का, लेकिन अबू धाबी एक ऐसी जगह नहीं है या दुबई एक ऐसी जगह नहीं है कि बस आप जाएँ और चले आएँ, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम देयर ताकि आप बिल्डिंग्स को, चीज़ों को, हिस्ट्री को थोड़ा सा इन्जॉय कर पाए। आई एम रियली सैड कि आज जो फरारी वर्ल्ड की ओपनिंग टाइम है वो लेट है। ठीक है, कभी और आने का टाइम मिलेगा, मे बी अबू धाबी और दुबई का भी एक साथ घूमने आएंगे। मैंने सोचा था कि यू नो अपने आवाज़ काटने के लिए मैं बैठ के थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, डाटा ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, तो डाटा ट्रांसफ़र तो मैंने कर लिया कैफ़े में जब तक मैं बैठी हुई थी, और जब एडिटिंग की बारी आई तो यहाँ का जो इंटरनेट है वो मेरे लैपटॉप पे सिक्योर नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए मैं कनेक्ट नहीं करना चाह रही अभी। एडिटिंग भी जो है वो मुझे इंडिया जाकर करनी पड़ेगी, तो ये जो सारे व्लॉग्स हैं ये आपको तब दिखेंगे जब मैं ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुकी होंगी। अच्छा, अभी मैं इधर शांति से बैठी हुई हूँ तो मैं एक और बात बता देती हूँ कि ज़्यादा चालाकी ना इंसान को महंगी पड़ती है। तो मैंने न्यूजीलैंड में कुछ परफ्यूम्स देखे थे जो मुझे सही प्राइस में मिल रहे थे, लेकिन फिर भी अंदर से एक होता है ना कि शायद और सस्ता मिल जाए। इस चक्कर में मैंने क्या किया, वहाँ से तो परफ्यूम लिया नहीं, और मुझे लगा ड्यूटी फ्री में चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, और जब मैं ऑस्ट्रेलिया के ड्यूटी फ्री में आई और वापस यहाँ के ड्यूटी फ्री में आई, वाओ, डबल, ऑलमोस्ट डबल प्राइस। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूजीलैंड जाके जल्दी से वापस से वो परफ्यूम्स वगैरह खरीद लूँ, जो कि मैं खरीदूँगी, और जब मैं खरीदूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी भी। इसलिए आप ये कभी एक्सपेक्ट करके मत आइए कि ड्यूटी फ्री है तो चीज़ें यू नो सस्ती ही मिलेंगी। अब परफ्यूम्स की बात चली है तो मैं एक बात और भी बता दूँ कि महंगे परफ्यूम्स होते तो नाम के ही हैं, ठीक है। मैंने कोको शनेल लगाया हुआ है, मुझे लगा कि यू नो लॉन्ग लास्टिंग है तो पूरी फ्लाइट में काम आएगा। जैसे ही गर्मी बढ़ी है फ्लाइट में, कोको शनेल की तो धज्जियाँ उड़ गई, कोई परफ्यूम काम नहीं आया, स्मेल भी नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज कि सब एक ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, आपको भी उसी ब्रांड के पीछे भागना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ब्रांड से ब्रेक लो यार, ये मार्केट को इवेल्युएट करो, जहाँ पे अच्छी चीज़ मिल रही है वो लो, जो आपके लिए बेहतर है वो लो, बी हैप्पी। बैठे बैठे बोर हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं एयरपोर्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि लिटरली इस समय मेरी ये हालत है कि मैं कहीं पर भी सो सकती हूँ। टर्मिनल 1 की तरफ चली गई थी मैं, और उधर लाउंज वगैरह थे, तो बस थोड़ा सा टाइम उधर बिताया क्योंकि व्यू अच्छा था, और अब मुझे लगी बहुत जोर से भूख, तो जाके देखती हूँ कि वेजिटेरियन में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा हुआ कि मैं टर्मिनल 1 की तरफ चली गई थी तो यू नो मुझे एक ट्रॉली मिल गई बैग रखने के लिए, अदरवाइज पूरे एयरपोर्ट पे ट्रॉली ही नहीं मिल रही थी,
लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला यार यहाँ पे कुछ यू नो वेजिटेरियन खाने के लिए, जो है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम प्राइस पर ही अवेलेबल है, 29 to 35 दिरहम के बीच में, लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा कम है. तो मैंने अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर $13 का ये एक छोटा सा यू नो चीज रैप लिया है, बस ऐसा इसका एक और दैट्स इट. इतनी भूख लगी ना कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि सारी दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इंडिया के बाहर लोगों को पता ही नहीं कि वेजिटेरियन चीज़ें भी यू नो टेस्टी हो सकती हैं और कैफेज में अवेलेबल हो सकती हैं. तो मैं खाकर उसके बाद कदम से इतना घटिया सैंडविच था ना, इतना घटिया, इतना महंगा भी लिया और टेस्ट में ज़ीरो, इतना सारा नमक और लेटेस के बजाय पता नहीं कौन सी उसमें ग्रीन पत्ते घुसा रखे थे जो इतने ज़्यादा कड़वे थे. और कॉन्फिडेंस देखो, ये देखो कॉन्फिडेंस हद है. अब इससे पहले भी देखो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ ठीक है, और मेरे साथ अगर खाने में घपला हो गया तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है. तो इससे ज़्यादा कि मैं व्लॉग में ज़्यादा ग्रम्पी हो जाऊँ, मैं ये व्लॉग यहीं पर रोक देती हूँ और अब मैं जा रही हूँ सीधा अपने गेट पे, क्योंकि अब मुझे सब पर गुस्सा आ रहा है. मुझे एयरपोर्ट पे जो भी दिख रहा है ना, मुझे सब पर गुस्सा आ रहा है. जो लोग इस खाने को देख देख के ऐसे खुश हुए जा रहे हैं ना, मुझे उन पर भी गुस्सा आ रहा है. क्यों, क्या है इसमें इतना खुश होने लायक. चलो लौट के बुद्धू घर को आए, अब मैं वापस उसी कॉर्नर पे आ गई हूँ जहाँ से मैंने सुबह शुरुआत की थी. तो मैंने पूरा एयरपोर्ट छान मारा ठीक है, अब कोई कॉर्नर नहीं रह गया यहाँ पे देखने के लिए. आराम से मैं नेटफ्लिक्स पे इंजॉय करती हूँ और जब बोर्डिंग का टाइम आ जाएगा तब चल लेंगे. नॉट श्योर इफ यू कैन हियर द प्रेयर इन द बैकग्राउंड, प्रेयर रूम्स ऑल अराउंड द एयरपोर्ट. फाइनली बोर्डिंग अनाउंस हो गई और अब मेरा जो शोल्डर और नेक है वो चला गया, अब बहुत हेलो मैं आ गई हूँ दिल्ली इंडिया. फाइनली मैं इंडिया में हूँ, लेकिन हुआ यह है कि अबू धाबी से आते हुए जो इतिहाद की मेरी फ़्लाइट थी वो हो गई डिले, जिसका मतलब है कि मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट जो दिल्ली से जयपुर की थी वो छूट गई. तो अब जो नेक्स्ट फ्लाइट है दिल्ली से जयपुर की वो सुबह 6 बजे है, तो इसलिए अब फैमिली से कोई लेने आ रहा है तब तक मैं यहाँ पर टाइम पास करती हूँ. मैं तो इंडिया पहुँच गई, जिसे आ रहा है अब आराम से रहने के लिए आए. मेरा हॉलीडे हो चुका है स्टार्ट, 3-4 घंटे में कोई ना कोई आ जाएगा एंड देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन. एक्चुअली मुझे आए हुए 1 घंटा यहाँ पे हो भी चुका है, तो मैं आराम से फ्रेश होकर रिलैक्स होकर तब आपसे बात कर रही हूँ. तो वेट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, अगर कुछ ढंग का दिखा तो, अदरवाइज जब फैमिली आएगी तब आपसे मिलते हैं. बाय.